हेलो डियर पेरेंट्स, क्या आप भी अपने बच्चे के वज़न नहीं बढ़ पाने के कारण परेशान हैं? आपका बच्चा ठीक से खाना तो खाता है लेकिन बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो ये आपके बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये फूड बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों का इसका टेस्ट तो पसंद आएगा ही और बच्चों का वज़न भी हेल्दी तरीके से बढ़ने लग जाएगा। और इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ही आसान है और इसे आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो फिर आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 छोटे चम्मच मैंने पोहा लिया है, 1 छोटा चम्मच प्लेन ओट्स लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद पानी में भिगो दिया था लगभग 2 घंटे के लिए। देखिए अच्छे से ये फूल गए हैं। तो 3 मैंने खजूर लिए हैं, 2 काजू, 2 बादाम और 7 से 8 किशमिश। तो सबसे पहले हम पोहा और ओट्स को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो पोहे वाले बाउल में ही हम ओट्स डाल देंगे और अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1/2 ग्लास के लगभग पानी हम बाउल में डाल देंगे और इसे ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए सेम इसी प्रोसेस से इसे 2 बार वॉश कर लेंगे और इसका एक्स्ट्रा जो भी पानी है इसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए पोहा और ओट्स को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 छोटे चम्मच पानी और डाल देंगे और अब इसे हम ढककर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि दोनों चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से फूल जाएगी। तो ये देखिए पोहा और ओट्स एकदम अच्छे तरीके से फूल गए हैं। बादाम का छिलका मैंने उतार दिया है और अब इसमें जो खजूर है इसके अंदर वाला बीज हम निकाल लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है दुबले पतले कमज़ोर बच्चों के लिए। और अब मैंने यहाँ पर लिया है ग्राइंडिंग जार, इसमें हम सबसे पहले भीगा हुआ ओट्स और पोहा ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे जार में डाल दिया है। अब इसमें हम भीगे हुए ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 7 से 8 दाने मैंने मूंगफली के लिए हैं, इसे मैंने भून लिया है और इसका छिलका उतार दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच पानी और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और एकदम फाइन पेस्ट इसका बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कुछ भी मोटा अंश नहीं है। और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने बर्तन रख दिया है, अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। सबसे पहले हमने जो मिक्स बनाकर तैयार किया है इसे हम पैन में डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे डाल दिया है बर्तन में। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 ग्लास के लगभग पानी, मिक्स कर लेंगे इसे एकदम अच्छे तरीके से लम्स फ्री होने तक। तो ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से मैंने इसे मिला लिया है और अब हम गैस ऑन कर लेंगे और अब इसे हमें पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो इसमें हम चम्मच लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले पर लग भी सकता है। तो ये देखिए फूड को पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये फूलना भी शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह से हम इसे पका लेंगे। तो टोटल मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से पक गया है। बस इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और फूड को हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए इसे ठंडा करते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने यहाँ पर एक बनाना लिया है, इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। इसे भी हम पैन में डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और अब ये हमारा हेल्दी फूड सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये बनकर तैयार हो चुका है आपके घर के बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी फूड, जिसे खाने से आपके बच्चों का वज़न भी बढ़ेगा और ये स्वाद में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। और इस रेसिपी को आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर दे सकते हैं और इसे आप सप्ताह में 3 से 4 बार बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों के लिए कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।